हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आशिमा। आज मैं आपके लिए इंस्टेंट ब्रेड पिज़्ज़ा की रेसिपी लेके आई हूँ। पिज़्ज़ा सबको बहुत पसंद होता है, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, लेकिन डोमिनोज़ के जैसा पिज़्ज़ा बनाना, आटा गूंदना, फुलाना, फिर जाके पिज़्ज़ा बन पाना, ये बहुत ही लंबा प्रोसेस है। कई बार इंस्टेंट क्रेविंग्स उठती हैं, तो हम उसके लिए ब्रेड पिज़्ज़ा बनाकर खा सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी बनता है, इंस्टेंट क्रेविंग्स को शांत करने के लिए ये बहुत ही अच्छा सोर्स है। और इतना ही नहीं, आपके घर में आने वाले गेस्ट को भी आप ब्रेड पिज़्ज़ा सर्व कर सकते हैं स्टार्टर्स की तरह, ये सबको बहुत पसंद आएगा। तो चलिए अब रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। इंस्टेंट ब्रेड पिज़्ज़ा को बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। ये मैंने चीज़ ब्रेड ले लिया है, ये फ्रोज़न कॉर्न ले लिए हैं, थोड़ा सा मोज़रेला चीज़ ले लिया है, पिज़्ज़ा पास्ता सॉस ले ली है, आप चाहें तो आप सिर्फ पिज़्ज़ा सॉस ले सकते हैं। ये मैंने रेड पेपरिका ले ली है, ये रेड चिलीज़ होती हैं जो विनेगर में रखी जाती हैं। ये मैंने जलेपिनोज ले लिए हैं, ये ग्रीन चिलीज़ होती हैं जो विनेगर में रखी जाती हैं। ये कुछ ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए हैं और थोड़ी सी हरी शिमला मिर्च ले ली है मैंने। मैं ब्रेड पिज़्ज़ा को अवन में बनाऊंगी, तो अवन में बनाने के लिए मैंने नीचे अवन का ट्रे ले लिया है और इसके ऊपर अवन की ही कूलिंग रैक रख दिया है। इसमें एक एक करके मैं सारे ब्रेड स्लाइसेस रख दूंगी। अब ब्रेड के स्लाइसेस के ऊपर चीज़ स्प्रेड डालेंगे। चीज़ स्प्रेड से पिज़्ज़ा में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। मैं रिकमेंड करूँगी कि आप भी जब पिज़्ज़ा बनाएं तो चीज़ स्प्रेड को ज़रूर डालें। चीज़ स्प्रेड की रेसिपी मैंने चैनल पे डाली है, अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। अब ये पिज़्ज़ा पास्ता सॉस डालेंगे थोड़ी थोड़ी सारे ब्रेड के ऊपर और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके फिर ही पूरा स्प्रेड करेंगे। अब एक एक करके इसे स्प्रेड कर देंगे अच्छे से सारी ब्रेड्स पे। मैं इसी तरीके से बनाती हूँ जब कभी भी किसी को पिज़्ज़ा खाने की क्रेविंग होती है, तो मैं फटाफट से इंस्टेंट ब्रेड पे बनाकर सर्व कर देती हूँ। क्रेविंग भी शांत हो जाती है और सबको बहुत पसंद भी आता है। अब इस पे थोड़ा सा मोज़रेला चीज़ डालेंगे, सारी ब्रेड्स पे फैलाएंगे। मोज़रेला चीज़ कितना डालना है या आपके ऊपर है, आप जितना डालेंगे उतना खींचने वाला टेक्सचर आपको मिलेगा मोज़रेला चीज़ से, ज़्यादा कम आप अपनी अपने हिसाब से डालें। अब थोड़े से फ्रोज़न कॉर्न्स डालेंगे, सब्जियां आप कोई भी ले सकते हैं, मेरे पास यही अवेलेबल थी तो मैंने ये वाली यूज़ कर ली है। ग्रीन कैप्सिकम डालेंगे, थोड़ी थोड़ी सारे ब्रेड्स पे डाल देंगे। अब इस पे मैं रेड पेपरिका डालूंगी। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो रेड पेपरिका को मत डालें और जलेपिनोज़ को भी मत डालें, क्योंकि ये तीखी होती हैं, बच्चे नहीं खा पाते हैं। अगर आप बड़ों के लिए बना रहे हैं तो आप जैसे मर्जी बना सकते हैं। अब इस पे जलेपिनोज डालेंगे। ये पिज़्ज़ा के टेस्ट को और एनहांस कर देती हैं, चटपटा सा बना देती है पिज़्ज़ा को। अब पिज़्ज़ा को और सुंदर दिखाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ऑलिव्स का। ये मैंने इंग्रेडिएंट्स में नहीं दिखाया था, मैं इसे दिखाना भूल गई थी, लेकिन मुझे बाद में अचानक से लगा कि इससे मैं ब्रेड पिज़्ज़ा को और ब्यूटीफुल दिखा सकती हूँ। ब्लैक ऑलिव से देखिए कितना सुंदर लग रहा है ब्रेड पिज़्ज़ा। अब हम ब्रेड पिज़्ज़ा को अवन में बेक होने के लिए रखेंगे, लेकिन आपका अवन पहले से प्री हीट होना चाहिए 10 मिनट के लिए 220 डिग्रीज पर, तभी आपका पिज़्ज़ा अच्छा बनकर आएगा। अगर आप प्री हीट नहीं करेंगे तो आपका पिज़्ज़ा अच्छे से बेक नहीं होगा। मैंने सेंटर रैक पर रखा है, टेम्परेचर सेट किया है 220 डिग्रीज का, दोनों रॉड्स को ऑन किया है मैंने
और इसे तब तक बेक करेंगे जब तक आपका चीज़ अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाता है और ब्रेड थोड़ी सी क्रिस्पी नहीं हो जाती है। टेस्टी यमी क्रिस्पी ब्रेड पिज़्ज़ा बनके रेडी हो गया है। मैंने इसे अवन में बनाया है, आप चाहें तो आप इसे तवे पे भी बहुत इजीली बना सकते हैं। मैंने ब्रेड पिज़्ज़ा को अवन में बनाया है क्योंकि मुझे थोड़े से ज़्यादा ब्रेड पिज़्ज़ा बनाने थे, लेकिन अगर आपके पास अवन नहीं है तो आप इसे तवे पे भी बहुत इजीली बना सकते हैं। सबसे पहले ब्रेड पे पिज़्ज़ा सॉस, टॉपिंग्स और चीज़ डाल के रेडी कर लीजिए। फिर तवे को थोड़ा सा गर्म करें, उस पर बटर डालें और जो ब्रेड आपने रेडी की है वो बटर के ऊपर रख दीजिए। कोई भी कढ़ाई जिसका ढक्कन स्टील का हो उससे तवे को ढक दीजिए। लो फ्लेम पर इसे पकाएं जब तक कि आपका चीज़ मेल्ट नहीं हो जाता है और ब्रेड अच्छे से सिक नहीं जाती है। बस आपका ब्रेड पिज़्ज़ा तवे पे बनके रेडी हो जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती है। थैंक यू।